बांसगांव लोकसभा सीट पर नामांकन करने वाले कांग्रेस प्रत्याशी कुश सौरभ समेत इस सीट पर 7 के पर्चे खारिज हो गए। निर्देश दिया है उसी के हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो इसको कोई भेदभाव नहीं है, हम लोग तो चेहरा तक नहीं देखें, कोई कैंडिडेट तक हम लोग को पता नहीं किसका है। जो पेपर देखते हैं, पेपर में जो कमियां होता है उसी हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं। बांसगांव संसदीय सीट पर कुश सौरभ समेत 11 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया था, जिसमें 7 के पर्चे खारिज होने के बाद अब 4 प्रत्याशी ही मैदान में हैं। बांसगांव में आखिरी चरण के लिए 19 मई को मतदान होगा।